हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो से हम शुरू करेंगे अबेटमेंट, जो कि कवर करेगा सेक्शन 107 से 120 तक। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन से लेकर जनरल एक्सेप्शन तक सारे टॉपिक कवर करवा दिए हैं, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप एक बार ध्यान रखिए कि जो मैं ये टॉपिक करवा रहा हूँ और उसमें से जो जो मैटर मैं आपको करवा रहा हूँ, चाहे वो केस लॉज हो चाहे वो मैगजीन्स हो, वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हीं में से एग्जाम में से आएगा, इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। मैं जो आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप इलस्ट्रेशन पढ़िए, इलस्ट्रेशन पढ़िए, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन से ही बनता है, तो प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली। आज की इस वीडियो से हम शुरू करेंगे अबेटमेंट, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 107 से 120 तक। तो शुरू करते हैं अबेटमेंट। अब सबसे पहली बात आती है कि अबेटमेंट होती क्या है, तो हम ये पढ़ेंगे 107 के अंदर, अबेटिंग अ थिंग, सॉरी, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु। अब कोई भी आदमी जो एक्टिविटी करेगा उसकी वो एक्टिविटी अबेटमेंट कब कहलाई जाएगी, तो उसकी है तीन स्थितियां, तीन फैक्टर में बात करेंगे हम। पहला फैक्टर, इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को उकसा रहा हो वो चीज करने के लिए, मतलब उकसाना भी अपने आप में अबेटमेंट है। इंस्टिगेटिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ अबेटमेंट। दूसरा, एंगेज विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग If an act or illegal omission take place in pursuance of that conspiracy and in order to doing that thing, मतलब अगर दो या दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा आदमी किसी एक या एक से ज्यादा आदमी यदि किसी भी conspiracy में involve हो गए, किसी भी कॉन्स्पिरेसी में अगर वो इन्वॉल्व हो गए और उस थिंग को उन्होंने कर दिया, उस काम को उन्होंने कर दिया कॉन्स्पिरेसी में रहते हुए, तो भी वो यही माना जाएगा कि वो एक अबेटमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे हम सेकंड चीज से हम ये समझते हैं कि कॉन्स्पिरेसी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एन अबेटमेंट। तीसरी चीज, इंटेंशनली एड्स। अब यहाँ पर हमें पता है कि वो आदमी एक ऑफेंस करने वाला है। सपोज कर लीजिए, मिस्टर एक्स को पता है कि मिस्टर वाई एक घर में जाकर चोरी करने वाले हैं। अब ये जानते हुए भी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की हेल्प करते हैं, कैसे, उसको चाकू प्रोवाइड करवाते हैं, उसको एक कट्टा प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि उसको चोरी करने में आसानी हो, या उसको एक मास्टर की प्रोवाइड करवाते हैं जिससे उसको चोरी करने में वो आसानी हो। तो उस केस में मिस्टर वाई ने एक्स की इंटेंशनली हेल्प करी। अब वो एक्ट क्या था, इलीगल एक्ट था या कोई इलीगल ओमिशन हुआ, तो उस केस में भी हम ये मानेंगे कि उन्होंने अबेटमेंट किया है। सॉरी। तो अभी तक की हमने डिस्कशन में क्या जाना, अबेटमेंट के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला इंस्टिगेशन, दूसरा कॉन्स्पिरेसी, तीसरा इंटेंशनली एड, जानबूझ के मदद करना। अब वो जो मदद होनी चाहिए वो किसी गलत काम को पूरा करने के लिए होनी चाहिए। अब इसमें एक्सप्लेनेशन वन हम पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। अब यहां पर सबसे बड़ी जो फैक्टर वाली बात है, समझने वाली बात है, वो ये है कि जो मिसरिप्रेजेंटेशन होगी वो विलफुल होगी। उसको पता होगा कि मैं ये चीज गलत कर रहा हूं या मैं ये चीज सही कर रहा हूं। विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय मिसफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। अगर कोई आदमी कोई फैक्ट छुपा रहा है तो उसको पता है कि मैं ये फैक्ट जानबूझ के छुपा रहा हूं, उसको पता है कि मेरे इस फैक्ट को छुपाने से किसी को हार्म हो सकता है, विच ही बाउंड टू डिस्क्लोज और वॉलंटरी कॉज और प्रोक्योर और अटेम्प्ट टू कॉज और प्रोक्योर अ थिंग टू बी डन इज सेड टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग। मतलब जहां पर उस आदमी की जिम्मेदारी थी कि वो उसके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में एक एक चीज को खोल दे,
एक एक चीज की इंफॉर्मेशन साफ साफ दे, फिर भी उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी किसी को हार्म पहुंचाने के चक्कर में, तो यही आप थोड़ी तबीयत खराब है तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। तो यही माना जाएगा कि उन्होंने जो है वो अबेटमेंट किया है, इंस्टिगेशन से अबेटमेंट किया है, क्योंकि वहां पर वो लाइबल थे हर चीज को डिस्क्लोज करने के लिए, लेकिन वो उन्होंने जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं किया, तो यहां पे उन्होंने इंस्टिगेशन के थ्रू अबेटमेंट किया। अब इसकी इलस्ट्रेशन है, ए जो कि एक पब्लिक ऑफिसर है, उसको एक कोर्ट के द्वारा वारंट दिया गया था कि आप जाएं, आपके पास ये वारंट है और आप इस वारंट के बेसिस पर जेड को अरेस्ट करके लेके आए। अब उसी एरिया में एक बी था जो जेड का दुश्मन था, सॉरी उसी एरिया में एक बी था जो सी का दुश्मन था। अब उसने क्या किया, ए के सामने ऐसा प्रिटेंड किया कि जो सी है वही जेड है, लेकिन वो ये बात जानता था बी कि सी जेड नहीं है। एक पब्लिक ऑफिसर था, वो कोर्ट के वारंट को फॉलो करते हुए जेड को पकड़ने गया। अब उसी विलेज में एक बी नाम का पर्सन था जो कि सी से बहुत जलता था, तो उसने ए के सामने ऐसा प्रेटेंड किया कि जो ये सी है यही जेड है और आप इसी को पकड़ने आए हो। अब हालांकि ये बात बी जानता था कि सी जेड नहीं है, लेकिन उसने जानबूझ के ए के सामने ऐसा रिप्रेजेंट किया कि सी ही जेड है, और इस मंशा के साथ किया कि जो ए है वो सी को पकड़ के लेके चला जाए। तो इस केस में जो बी होगा वो इंस्टिगेशन का दोषी होगा, वो सी को कैद करवाने का दोषी होगा, वो अबेटमेंट का दोषी होगा। इसको दोबारा पढ़ते हैं। ए अ पब्लिक ऑफिसर इज ऑथराइज बाय वारंट फ्रॉम कोर्ट ऑफ जस्टिस टू अप्रिहेंड जेड। यहां तक की बात समझ में आती है कि ए एक कोर्ट का ऑफिसर है और उसको कोर्ट के वारंट के बेसिस पर जेड को पकड़ने का आदेश मिला। बी नोइंग द फैक्ट दैट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट जेड, बी को पता था कि सी जेड नहीं है, लेकिन उसने अपना विलफुल रिप्रेजेंटेशन किया ए के सामने कि सी ही जेड है, एंड देयर बाय नोइंग इंटेंशनली कॉज ए टू अप्रिहेंड जेड, और इस मंशा के साथ किया कि ए सी को पढ़ के ले जाए। हेयर बी अबेट्स बाय इंस्टिगेशन द एप्रीहेंशन ऑफ सी। यहां पर बी सी की एप्रीहेंशन के लिए लायबल होगा, अबेटमेंट के लिए लायबल होगा। आगे पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन टू। हूएवर आइदर प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट, या तो उस कमीशन उस एक्ट के कमिट होने के दौरान या उससे जस्ट पहले, डज एनी थिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट, या तो उस एक्ट के होते हुए या उस एक्ट से होने से जस्ट पहले कोई ऐसा एक्ट कर दे या कुछ ऐसी उसको सहूलियत प्रदान कर दे जिससे कि वो एक्ट आसानी से हो जाए, एंड देयर बाय फैसिलिटेट्स दैट कमीशन देयर ऑफ इज सेट टू डूइंग दैट एक्ट। अगर उसने उसकी थोड़ी सी हेल्प भी कर दी तो भी यही माना जाएगा कि उसने अबेटमेंट करी है। अब इसी को समझते हुए हमारे पास दो तीन केस लॉज हैं जिसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला है क्वीन वर्सेस कालीचरण, क्वीन QUEEN वर्सेस काली KALICHARN कालीचरण। इसमें यही था, वन पुलिस पर्सन नो द फैक्ट दैट सम एक्यूज विल गोइंग टू टॉर्चर फॉर द पर्पस ऑफ कन्फेशन एंड ही इंटेंशनली रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम दैट प्लेस, ही इज लाइबल टू अबेटमेंट बाय एडिंग। दूसरा केस है ओमी केस, प्राइड कंप्लीटेड बाइगैमिस मैरिज, सॉरी प्रीस्ट ने एक बाइगैमिस मैरिज करवाने में इंटेंशनली हेल्प करी और वो वहां पर अबेटमेंट बाय एडिंग का दोषी हुआ। आगे पढ़ते हैं अबेटर, सेक्शन 108। अब अबेटर कौन होगा, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट आइदर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस।
अब एक अबेटर आदमी वही माना जाएगा, या तो उसने वो ऑफेंस किया हो, या कोई उसने ऐसा एक्ट किया हो जो आगे जाके ऑफेंस बन गया हो, या तो उसने ऑफेंस किया हो या कोई ऐसा एक्ट किया हो जो आगे जाके ऑफेंस बन जाएगा। इफ कमिटेड बाय अ पर्सन केपेबल बाय लॉ टू कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ अबेटर। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, दूसरा उसकी नॉलेज होनी चाहिए, किसकी तरह, जिस तरीके से अबेटर ने उसको परफॉर्म करने के लिए बोला गया है उस तरह। एक्सप्रेशन 1, द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बाउंड टू डू दैट एक्ट। अब यहां पर यह बात जरूरी नहीं है कि जो आपको एक्ट करने के लिए बोला जाए आप वो करो ही करो, आप यदि चाहो तो आप उस एक्ट को करने से मना भी कर सकते हो। अब ये चीज हमें आगे समझ में आएगी जब हम इसके इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन 2, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ एन अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। जो एक्ट आपको बोला जाए वो आप करो ये बात जरूरी नहीं है। कमिटमेंट ऑफ एन एक्ट, कमिटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट एक्ट इज नॉट नेसेसरी और दैट द इफेक्ट रिक्वेस्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। अब इसकी इलस्ट्रेशन से हमें और अच्छे समझ में आएगा। पहली इलस्ट्रेशन कहती है ए ने बी को उकसाया कि तू जाके सी का मर्डर कर दे, लेकिन बी ने मना कर दिया कि भैया मैं तो नहीं करूंगा। अब उस केस में हालांकि बी ने मर्डर नहीं किया, लेकिन ए यहां पर अबेटमेंट ऑफ मर्डर का दोषी होगा। ए ये प्री नहीं ले सकता कि जी अगर बी ने मर्डर नहीं किया सी का तो मैं दोषी कैसे, कोर्ट ये बोलेगा आपने उकसाया तो था, आपने इंस्टिगेशन तो की थी, और जहां आपने इंस्टिगेशन किया, जहां आपने उकसाया, वहां आपने अबेटमेंट ऑफ मर्डर का ऑफेंस किया और आप इसके लिए दोषी हैं। इलस्ट्रेशन 2, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी। ए ने बी को उकसाया कि तू जाके डी का मर्डर कर दे, और बी ने उसके उकसाने के परिणाम स्वरूप डी को ऐसी चोट पहुंचाई कि जिससे उसकी मर्डर हो सकती थी, लेकिन डी उस घाव से बच गया और कुछ दिनों में वो रिकवर कर गया। तो क्या यहां पर ए ये प्ली ले सकता है कि जी डी तो मरा ही नहीं तो फिर मैं क्यों लाइबल हुआ? तो यहां पर ए ये प्ली बिल्कुल भी नहीं ले सकता कि जी अगर डी नहीं मरा तो मैं उसके मर्डर के लिए दोषी नहीं हूं। कोर्ट बोलेगी आपने इंस्टिगेशन किया, ए बोलेगा हाँ। कोर्ट बोलेगी आपके इंस्टिगेशन पे बी ने डी के ऊपर हमला किया, बोलेगा हाँ। कोर्ट बोलेगा आपकी अबेटमेंट के ऊपर बी ने उसको मारने की इच्छा से किया था, बोलेगा हाँ। अब जहां पर आपकी इंटेंशन थी कि उसको मारना है तो उसी समय आप अबेटमेंट के दोषी माने जाएंगे, और अबेटमेंट में कौन सी, अबेटमेंट ऑफ मर्डर। एक्सप्रेशन 3, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन। अब यहां पे ये बात बहुत जरूरी है। अब मैंने आपको उकसाया और आपका भी स्टेट ऑफ माइंड वही हो मेरे जैसा, ये बात जरूरी नहीं है। या मैंने आपको बोला कि आप किसी बंदे के हाथ पैर तोड़ के आओ, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा था, आपने उसका खून ही कर दिया। अब यहां पर हालांकि आपने मेरा ऑर्डर फॉलो किया, लेकिन आपका उस टाइम पे स्टेट ऑफ माइंड कुछ और था, तो उस टाइम पे जो आपने एक्ट किया उससे जो आपके एक्ट से जो आउटपुट आया उसकी सजा मेरे को मिलेगी, ना कि मेरे एक्ट की सजा मेरे को मिलेगी। अगर मैंने आपको बोला कि आप उसके हाथ पैर तोड़ के आओ लेकिन आप उसको मार के आ गए, तो मेरे को हाथ पैर तोड़ने की सजा नहीं मिलेगी, मेरे को मर्डर की सजा मिलेगी, क्योंकि आपने जो काम किया है वो मर्डर किया है। गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज डेथ ऑफ द अबेटर और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज, इसकी इलस्ट्रेशन। और मैं आपको एक बार 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 कहता हूं आप इसकी इलस्ट्रेशन पर बहुत गौर करिए, क्योंकि जो आईपीसी में या किसी भी एक्ट में जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो और कहीं से नहीं आते, सिर्फ ये इलस्ट्रेशन ही आती है। अगर आप कभी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो उसमें और कुछ नहीं पूछता, वो सिर्फ ये इलस्ट्रेशन पूछता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पर जरा जोर दीजिए। ए विद द गिल्टी इंटेंशन अबेट्स अ चाइल्ड और अ लुनेटिक।
ए ने एक गिल्टी इंटेंशन के साथ एक बच्चे को या एक पागल बच्चे को उकसाया कि वो एक ऐसा एक्ट कमिट करे जो एक ऑफेंस है। अब हालांकि वो बच्चा या वो पागल बच्चा उस एक्ट को समझने में सक्षम नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो इंटेंशन थी वो एक ही देखी जाएगी। तो अगर वो कभी कोई लाइबिलिटी किसी ऊपर बनेगी तो उस बच्चे के ऊपर नहीं बनेगी, अगर वो लाइबिलिटी बनेगी तो वो ए के ऊपर बनेगी, क्योंकि ए को पता था कि जो वो एक्ट कर रहा है वो गिल्टी है या नहीं। अब इलस्ट्रेशन बी, ए ने जेड को मारने के लिए एक बी नाम के बच्चे को उकसाया। अब वो बी नाम का बच्चा 7 साल से कम उम्र का था। अब ए के उकसाने पर बी ने जेड का मर्डर कर दिया। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उस बी जो बच्चा था उसकी उम्र 7 साल से कम उम्र की थी। तो अगर हमने सेक्शन 82 ध्यान से पढ़ा था तो उसमें बात लिखी हुई थी डोली इनकैपेक्स, मतलब 7 साल से कम उम्र का बच्चा अपराध कर ही नहीं सकता। यहाँ पे उसको एक तरीके से एब्सोल्यूट एग्जम्पशन दे रखी है लॉ ने। अब हालांकि इस केस के अंदर ए के उकसाने पर बी ने जेड का मर्डर कर दिया, और भले ही बी ने जेड का मर्डर इंटेंशनली किया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसको 82 की एब्सोल्यूट एग्जम्पशन मिल जाएगी। अब लेकिन यहाँ पे सजा किसको मिलेगी? यहाँ पे सजा ए को मिलेगी, और वो सजा मिलेगी जो एक्ट बी ने किया है। मतलब यहाँ पे सजा ए को मिलेगी अबेटमेंट ऑफ मर्डर। अगली इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू सेट फायर इन अ ड्वेलिंग हाउस। ए ने बी को बोला कि आप एक घर में आग लगा के आओ, और ए बी ने उसके बहकावे में आकर उस घर में आग लगा दी, क्योंकि एक बी मंद बुद्धि का बच्चा था, अनसाउंड माइंड का बच्चा था। अब यहाँ पर उसको मिल जाएगी 84 की एब्सोल्यूट एग्जम्पशन। अगर हम 84 में हमने ध्यान से पढ़ा था तो हमें ये बताया गया था अनसाउंड माइंड का आदमी एग्जम्प्ट होता है, क्योंकि वो उस टाइम पर उस नेचर को समझने में सक्षम ही नहीं होता, या वो ये नहीं जान पाता कि जो वो काम कर रहा है वो लॉ के द्वारा राइट है या लॉ के द्वारा रॉन्ग है। अब ए के कहने पर बी ने उस घर में आग लगा दी। अब हालांकि अकॉर्डिंग टू 84 बी ने तो कोई क्राइम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे उसको एब्सोल्यूट एग्जम्पशन है, लेकिन यहाँ पर उसको जो उकसाया गया ए के द्वारा, तो यहाँ पर ए लायबल होगा फॉर अबेटमेंट ऑफ सेट फायर इन अ ड्वेलिंग हाउस। इलस्ट्रेशन डी, ए इंटेंड टू कॉज थेफ्ट टू बी कमिटेड। अब ए ने बी को उकसाया कि जेड के पास जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है, और बी उसको लेकर के आए। मतलब ए ने बी को कुछ फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन किया कि जेड के पास जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है और तुम उसको लेकर के आओ। अब लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये था कि जो प्रॉपर्टी जेड के पास थी वो जेड की ही थी, वो ए की नहीं थी। लेकिन बी ने सिर्फ गुड फेथ में, बिना किसी गिल्टी इंटेंशन के, सिर्फ ए के बहकावे पर ए जेड से वो प्रॉपर्टी छीन करके ए को दे दी। अब यहाँ पर हालांकि चोरी की है बी ने, लेकिन यहाँ पर बी की कोई इंटेंशन नहीं थी चोरी की, यहाँ पर सिर्फ बी ने गुड फेथ के अंदर काम किया था। लेकिन यहाँ पर जो चोरी के अबेटमेंट का दोषी पाया जाएगा वो पाया जाएगा ए, क्योंकि ए की इंटेंशन थी कि चोरी की जाए, लेकिन जो बी ने काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ गुड फेथ में किया है। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी बनेगी वो ए की बनेगी, और किसकी बनेगी? कमिटिंग ऑफ थेफ्ट की। एक्सप्लेनेशन 4, द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच ऑफेंस अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। मतलब अबेटमेंट का अबेटमेंट भी अपने आप में एक ऑफेंस होगा, और ये क्वेश्चन बार बार प्री में पूछा जाता है। ए ने इंस्टिगेट किया बी को और ये बोला कि तू सी को इंस्टिगेट कर और सी जेड को मारेगा। अब ए के बहकावे में बी ने सी को इंस्टिगेट किया और सी ने फाइनली जाके जेड को मार दिया, उसका खून कर दिया। अब हालांकि इस केस में बी ने सी को उकसाया और उसके बाद सी ने जेड का मर्डर कर दिया, तो बी अबेटमेंट ऑफ
मर्डर के लिए दोषी होगा, लेकिन जिस अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए दोषी बी होगा उसी मर्डर के लिए दोषी अबेटमेंट का ए भी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज चली है ए ने बी को उकसाया और बी ने सी को उकसाया, तो यहाँ पर जो काम हुए हैं तीनों के एक साथ हुए हैं, तो यहाँ पर जितनी लाइबिलिटी बी की बनेगी उतनी ही ए की बनेगी और उतनी ही सी की बनेगी। एक्सप्लेनेशन 5, इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दैट द अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट इट। इट इज सफिशियंट इफ ही एंगेज इन द कॉन्स्पिरेसी इन परसुएंस ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड। जरूरी नहीं है कि जिस कॉन्स्पिरेसी के द्वारा अबेटमेंट में घुसा जाए वो एक्ट कंप्लीट ही हो, अगर हमने उसको सिर्फ अटेम्प्ट भी कर दिया तो भी हम दोषी माने जाएंगे। ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ध्यान से सुनिएगा। ए और बी ने साथ मिलकर एक प्लान बनाया जेड को जहर देके मारने का, और ए और बी के बीच में ये समझौता हुआ कि एक कोई तीसरा आदमी होगा सी जो कि जहर लाएगा और जेड को जहर देगा। अब यहां पर बी और सी के बीच में ये बात होती है कि हमारे साथ एक तीसरा आदमी भी है जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, लेकिन सी को यहाँ पर ए का नाम नहीं पता। अब उस एग्रीमेंट के तहत सी ने जेड को जहर दे दिया। अब जब आगे जाके ट्रायल चलता है तो यहाँ पर ए इस बात की प्ली नहीं ले सकता कि जी मैं तो सी को जानता ही नहीं और ना सी मेरे को जानता है। बस यहाँ पे सी ये जानता था कि हमारे साथ कोई एक तीसरा आदमी भी है जो हमारे साथ इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, तो फिर कोर्ट बोलेगी भैया अगर वो नहीं भी जानता है तो भी कोई बात नहीं, आपने बी को उकसाया, बी ने सी को उकसाया, आप दोनों भले ही एक दूसरे को नहीं जानते हो, आप दोनों में आपस में कम्युनिकेशन नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी आप भी उसी तक दोषी माने जाओगे जिस बेस तक सी दोषी माना जाएगा, तो आप भी अबेटमेंट ऑफ मर्डर के दोषी माने जाओगे। 108A, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इन इंडिया, बाहर किए गए ऑफेंस की अपराधों की सजा भारत में। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड हु इन इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। इलस्ट्रेशन क्या लिखा हुआ है, ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी, ए ने इंडिया के अंदर एक बी को उकसाया जो कि एक फॉरनर था, अब उसके उकसाने पर बी ने मर्डर कर दिया। अब यहां पर ए जो है गिल्टी होगा अबेटिंग ऑफ मर्डर के लिए। सेक्शन 109, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेज वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। ऐसे अपराधों की सजा, ऐसे अपराधों के अबेटमेंट की सजा जहां पर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। Whoever abate any offence shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this court for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offence. अगर ऐसे कोई abatement करता है या ऐसा कोई crime का abatement करता है या ऐसे कोई offence का abatement करता है जो कि इस chapter के अंदर given नहीं है, तो उस केस के अंदर उसको उस अबेटमेंट की वही सजा मिलेगी जो उस ऑफेंस के बारे में दे रखी है। अकॉर्डिंग टू ऑफेंस उसको उस अबेटमेंट की सजा मिलेगी, उसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको हम सजा तो देंगे। एक्सप्लेनेशन, एन एक्ट और एन ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट व्हेन इट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंस्टिगेशन Pursuance of conspiracy or with the aid to constitute the abatement. भाई 107 वाली बात, अगर आपने instigation किया, अगर आपने conspiracy की और अगर आपने abatement किया aiding की, तो भी आप उतने ही दोषी माने जाएंगे जितना कि वो act करने वाला आदमी। Illustration देखते हैं।
ए ने बी को, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट था, उसको घूस पेशकश की, उसको घूस दी और ये कहा कि आप मेरे कामों को जल्दी से जल्दी निपटाएं। अब बी ने उसकी घूस को एक्सेप्ट कर लिया। अब यहां पर ए दोषी होगा आईपीसी 161 के अकॉर्डिंग, और आईपीसी 161 में क्या लिखा हुआ है, पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब देना। इलस्ट्रेशन बी, ए ने बी को उकसाया कि तू जाकर कोर्ट में मेरे फेवर में एक फॉल्स एविडेंस दे। अब बी ने उसके ही कॉन्सिक्वेंसेस में आकर के फॉल्स एविडेंस को उसमें कोर्ट में पेश कर दी। अब यहां पर ए गिल्टी होगा उसी ऑफेंस के लिए जो ऑफेंस बी ने किया है, मतलब आईपीसी में फॉल्स एविडेंस देने का जो भी अपराध बी ने किया है वही सेम लाइबिलिटी अब ए की बनेगी, क्योंकि हालांकि एक्ट किया है बी ने लेकिन अबेटमेंट किसने करी थी, ए ने। इलस्ट्रेशन सी, ए और बी दोनों मिले आपस में और उन्होंने सी को वो सॉरी ए और बी दोनों आपस में मिले और उन्होंने जेड को जहर दे के मारने के प्लान बनाया। अब ए ने उस कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत आकर के जहर लिया और वो बी को दे दिया कि अब तू जाके ये जहर जेड को दे दे। अब बी ने उसी कॉन्स्पिरेसी को आगे बढ़ाते हुए जहर दे दिया जेड को। अब हालांकि वहां पर ए मौजूद नहीं था जब वो डेथ हो रही थी, लेकिन वो ए इस बात की प्ली नहीं ले सकता कि जब बी ने उसको जहर दिया तो मैं वहां पर था ही नहीं, तो मैं लायबल कैसे। कोर्ट बोलेगी आप दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की थी कि हम जेड को जहर देके मारेंगे, आपने जहर बी को लाके दिया, बी ने आप ही वो कॉन्स्पिरेसी में आकर वो जहर जेड को दिया, तो आपकी भी वही लाइबिलिटी बनेगी जो लाइबिलिटी अभी बी की है, तो आप भी अबेटमेंट ऑफ मर्डर के बराबरी के दोषी माने जाएंगे। सेक्शन 110, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डन एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट अबेटर। इसके अंदर आप ये बात ध्यान रखना, अगर मैंने आपको उकसाया कि आप किसी के हाथ पैर तोड़ के आओ लेकिन आप उसका मर्डर करके आ गए, तो मैं उस केस के अंदर मर्डर के लिए दोषी होऊंगा। कैसे, हू एवर अबेट अ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस शैल इफ द पर्सन अबेट डज द एक्ट विद अ डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज फ्रॉम दैट द अबेटर बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस विच वुड हैव बीन कमिटेड। मतलब जो अपराध घटित हो चुका है उसकी सजा मेरे को मिलेगी, ना कि जो मैंने आपको उकसाया था उसकी मिलेगी। इफ द एक्ट हैड बीन डन विद द इंटेंशन और नॉलेज ऑफ द अबेटर विद नो अदर। सेक्शन 111, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। आपने कोई एक्ट अबेट बोला था लेकिन वो करके कुछ और आ गया, तो उस केस में क्या होगा। व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन द अबेटर इज लाइबल फॉर द एक्ट डन इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ हैड डायरेक्टली अबेटेड। मतलब उसी तरीके से पनिश होगा जो उसने एक्ट को अबेट किया था, प्रोवाइडेड द एक्ट डन वॉज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड वॉज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टिगेशन। वही बात लिखी है कि ये जो एक्ट होना चाहिए इंस्टिगेशन के अंदर होना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी के अंदर होना चाहिए और इंटेंशनल एड के अंदर होना चाहिए। इसके इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए ने एक ए इंस्टिगेट अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इन टू अ फूड ऑफ जेड एंड गेव हिम अ पॉइजन फॉर दैट पर्पज। द चाइल्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंस्टिगेशन बाय मिस्टेक पुट द पॉइजन इन टू अ फूड ऑफ वाई विच बाय साइड ऑफ द जेड। हेयर इफ द चाइल्ड वॉज एक्टिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ए इंस्टिगेशन एंड द एक्ट वॉज डन अंडर द सर्कमस्टांसेस अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट ए इज लाइबल इन द सेम मैनर एंड द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड इंस्टिगेटेड द चाइल्ड टू पुट इन टू पॉइजन ऑफ वाई। ए ने एक बच्चे को उकसाया कि वो जेड के खाने में जाकर जहर मिला दे।
अब बच्चे ने उसके इंस्टिगेशन के अंदर आकर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर आकर वो जो जहर था गलती से मिला दिया वाई के खाने में, जेड की जगह। अब यहाँ पर ए की इंस्टिगेशन पे बच्चे ने तो काम कर दिया, और अगर उस खाने से वाई मर जाता है तो भी ए अपनी लाइबिलिटी से भाग नहीं सकता। ए ये नहीं बोल सकता कि भैया मैंने तो जेड को मारने के लिए जहर मिलवाया था लेकिन मर पाएगा तो मैं तो बच गया। नहीं, यहां पर कोर्ट बोलेगा आपने जो एक्ट करने को बोला था वो बच्चे ने कर दिया, तो अब आप अबेटमेंट के दोषी माने जाओगे। इलस्ट्रेशन टू, ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड हाउस, बी सेट फायर टू द हाउस एंड द सेम टाइम कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर। ए दो गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ हाउस इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग द थेफ्ट, फॉर द थेफ्ट वॉज डिस्टिंक्ट एक्ट एंड नॉट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बर्निंग। अब ए ने बी को उकसाया कि तू जाके जेड का घर जला दे। अब जेड का घर जलाने के दौरान बी ने वहां पर चोरी भी कर ली। अब हालांकि आग लगाना और चोरी करना दोनों अलग अलग बातें हैं, तो यहाँ पर जो ए है वो चोरी के लिए दोषी नहीं होगा, वो सिर्फ आग लगाने के दोषी होगा। लेकिन अगर उस आग लगाने से कोई वहां पर रहने वाला आदमी मर जाता तो उस केस में उसके मर्डर का दोषी भी ए हो जाता, क्योंकि चोरी करना और आग लगाना दोनों अलग अलग एक्ट है। लेकिन अगर उस आग से कोई आदमी मर जाता तो वो सेम सीरीज में आ जाता। इलस्ट्रेशन सी, ए इंस्टिगेट बी एंड सी टू ब्रेक इनटू एन इनहेबिटेड हाउस एट मिडनाइट फॉर द पर्पस ऑफ रॉबरी। ए ने बी और सी को उकसाया कि तुम एक घर में जाओगे और वहां पर रॉबरी करोगे एंड प्रोवाइड देम विद आर्म्स फॉर द पर्पस, और उसको पूरा करने के लिए ए ने बी और सी को हथियार भी दे दिए। बी एंड सी ब्रेक इनटू द हाउस, बी और सी ने घर के ताले तोड़ दिए एंड बीइंग रजिस्टर्ड बाय जेड। वन ऑफ द इनमेट मर्डर जेड। अब वहां पर एक जेड नाम का आदमी रहता था और उन दोनों में से किसी एक ने जेड का मर्डर कर दिया। हेयर इफ द मर्डर वॉज प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, ए इज लाइबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द मर्डर। अब ए, अब वहां पे बी और सी में से किसी एक ने जेड का मर्डर कर दिया, तो यहाँ पर ए इस बात की प्ली नहीं ले सकता कि जी मैंने तो सिर्फ उनको वो रॉबरी करने के लिए बोला था, क्योंकि यहाँ पे ए को पता है कि अगर मैंने इनको आर्म्स दिए हैं तो रॉबरी करने के दौरान कुछ घटना हो सकती है जिससे कि कुछ अनहोनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि ए को मालूम था कि इस रॉबरी के दौरान कोई खून खराबा भी हो सकता है, तो उस केस में ए इस बात की प्ली बिल्कुल नहीं ले सकता कि जी मैं तो सिर्फ रॉबरी करने के लिए बोला था, मर्डर करने के लिए बोला नहीं था। यहाँ पर ए भी उतना ही दोषी होगा जितना कि वो दोनों। सेक्शन 112, अबेटर व्हेन टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। इफ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लाइबल अंडर द लास्ट प्रिसीडिंग सेक्शन इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड एंड कंस्टिट्यूट डिस्टिंक्ट ऑफेंस, द अबेटर इज लाइबल फॉर द पनिशमेंट फॉर ईच ऑफेंस। अब इस केस के अंदर बोल दिया कि आपने जो एक्ट कहा और आपने जो एक्ट किया गया आप उन दोनों के लिए ही लाइबल है। इलस्ट्रेशन, ए इंस्टिगेट बी टू रेजिस्ट बाय फोर्स अ डिस्ट्रेस मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट, बी इन कॉन्सिक्वेंस रेजिस्ट द डिस्ट्रेस इन ऑफरिंग द रेजिस्टेंस, बी वॉलेंटरीली कॉज ग्रीवियस हर्ट टू द ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द डिस्ट्रेस एज बी हैज कमिटेड बोथ ऑफेंस ऑफ डिस्ट्रेस एंड ऑफेंस ऑफ वॉलेंटरी ग्रीवियस हर्ट, बी इज लाइबल फॉर पनिशमेंट फॉर बोथ। अब इस केस के अंदर अगर आपके कहे अनुसार किसी ने कोई एक ऐसा ऑफेंस कर दिया, किसी को हर्ट दे दिया, और साथ साथ किसी को डिस्ट्रेस कर दिया, तो वो उसके लिए उन दोनों के लिए लायबल होगा, किसी एक के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 113, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन एक्ट कॉज बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंट ऑफ अबेटर। वेन एन एक्ट इज अबेटेड
with the intention on the part of abettor of causing a particular effect, and an act for which the abettor is liable in consequence of the abatement cause a different effect from that intended by abettor, the abettor is liable for the effect caused. मतलब यहाँ पर वो उस एक्ट के लिए लायबल होगा जो एक्ट किया गया है, ना कि जो एक्ट उसको बोला गया है. यहाँ पर भी अगर वो जो एक्ट कमिट हुआ है उसके लिए वो अबेटर लायबल होगा, भले उसको पता हो चाहे ना पता हो. ए इंस्टिगेट बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड. ए ने बोला कि तू उसको भारी चोट मार के आ जेड को. बी ने उसके बहकावे में आकर उसको को ग्रीवियस हर्ट दे दिया और जेड उससे मर गया. अब यहाँ पर अगर ए को ये मालूम था कि जो बी ग्रीवियस हर्ट देगा जेड को उससे उसकी मौत हो सकती है जेड की, तो यहाँ पर ए उसकी मर्डर के लिए लायबल होगा. सेक्शन 114 114 अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड. Whenever any person who is absent would be liable to punish as an abettor is present when the act or offense for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offense. मैंने A को बोला कि तू जाकर C का खून कर दे. अब वहां पर जब वो ए सी का खून कर रहा था तो मैं वहां पर प्रेजेंट था, तो भी मैं उसी तरह दोषी माना जाऊंगा जिस तरीके से सी वहां पर जिस तरीके से वहां पर ए सी का खून कर रहा था. मैं इस बात की प्ली नहीं ले सकता कि जी मैंने तो खून किया ही. अगर मैं वहां पर प्रेजेंट हूं तो मैं भी उतना ही दोषी हूं जितना कि ए सी को मारने का दोषी है. 115 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. अब इसके अंदर दो सिचुएशंस हैं, अगर वो ऑफेंस नहीं हुआ तो, और अगर वो ऑफेंस हो गया तो. अब इसके अंदर हमें सिर्फ इसकी पनिशमेंट याद रखनी है कि पनिशमेंट क्या क्या होंगी. तो अब पनिशमेंट क्या क्या होंगी अगर वो ऑफेंस नहीं हुआ तो. इस केस के अंदर हमें जो इम्प्रिजनमेंट मिलेगी वो मिलेगी 7 साल की. अब वो चाहे सिंपल हो चाहे रिगोरियस हो, लेकिन यहाँ पे हमें फाइन भी देना पड़ेगा. यहाँ पे फाइन की कोई एक्सेप्शन नहीं है. यहाँ पे अगर हमें कोई मिली तो सिंपल या रिगोरियस, जो कि होगी 7 साल की. और यहाँ पे प्लस फाइन है, फाइन भी देना है हमें, और फाइन नहीं है प्लस फाइन है. इस चीज को आप ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में सिर्फ यही पूछता है कि अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, और कमिट हो गया तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी. अगर कमिट नहीं हुआ तो ये होगी 7 ईयर्स, चाहे सिंपल हो चाहे रिगोरियस हो, प्लस फाइन. और अगर वो ऑफेंस कमिट हो गया तो The abettor shall be liable to imprisonment for either description of extend to 14 years and shall also be liable for fine. अगर offence commit नहीं हुआ तो 7 साल plus fine, चाहे simple हो चाहे rigorous हो. और अगर offence commit हो गया तो 14 साल plus fine, simple हो चाहे rigorous हो. A ने B को उकसाया कि तू जाके जेड का murder कर दे, और वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ. इफ बी हैड मर्डर जेड ही वुड बी हैव सब्जेक्ट टू पनिशमेंट ऑफ डेथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ. देयरफॉर ए इज, अब ए ने बी को उकसाया कि तू जाके जेड का मर्डर कर दे. अब वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, लेकिन अगर वो ऑफेंस कमिट होता तो उसका एंड रिजल्ट क्या आता, जेड की डेथ हो जाती. लेकिन अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो यहां पर ए भी 7 साल के पनिशमेंट का दोषी माना जाएगा. और अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता तो ए को 14 साल की सजा लगती प्लस फाइन की. सेक्शन 116 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट. हमने 115 में बात की थी डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, 116 में हम बात करेंगे सिर्फ इम्प्रिजनमेंट की.
अब इसके अंदर भी दो केस हैं, पहला अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ और दूसरा अगर वो ऑफेंस कमिट हो गया। तो अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो उस केस में उसको मिलेगी 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट पनिशमेंट, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो रिगोरियस हो। और प्री में यही पूछता है और इतना ही पूछता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट मतलब उस पनिशमेंट की जो भी मैक्सिमम होगी उसकी 1/4 मिलेगी अगर वो कमिट ऑफेंस नहीं हुआ है तो। लेकिन अगर वो हो गया है तो क्या होगा? तो उस केस में हाफ मिलेगी। या अगर वो कोई ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट है उसके द्वारा ये कोई काम किया गया तो उस केस में उसको हाफ मिलेगी, ना कि 1/4। ए ऑफर अ ब्राइब टू बी पब्लिक सर्वेंट, जो मैंने अभी ऊपर बताया था यहाँ पे वही सेम आ गई है इसके अंदर। सेक्शन 117, अबेटिंग कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय पब्लिक और मोर देन 10%, पब्लिक के द्वारा अबेटमेंट किया गया हो या फिर 10 आदमी से ज्यादा। हू एवर अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय पब्लिक जनरली और बाय एनी नंबर ऑफ क्लास ऑफ पर्सन एक्सीडिंग 10, 10 आदमी से ज्यादा किया गया अबेटमेंट, तो उस केस में इसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी आइदर डिस्क्रिप्शन 3 साल और विद फाइन और बोथ। अब यहां पर एडिशन फाइन नहीं है, यहां पर और है, 3 ईयर्स और फाइन और बोथ। इसकी इलस्ट्रेशन, ए इफेक्ट्स इन अ पब्लिक प्लेस अ प्ले कार्ड इंस्टिगेटिंग अ सेकेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 10 मेंबर ऑफ अ मीट एट अ सर्टेन प्लेस एंड प्लेस टाइम एंड प्लेस फॉर पर्पज ऑफ अटैकिंग द मेंबर्स ऑफ द एडवर्स सेक्ट वाइल एंगेज इन द प्रोसेशन ए हैज कमिटेड ऑफेंस डिफाइंड इन द सेक्शन। सेक्शन 118, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, हमने कोई ऐसा अपराध के बारे में जानकारी छुपाई जिसका फाइनल आउटपुट इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है या फिर डेथ है। कोई भी आदमी अगर ऐसी कोई फैसिलिटी करता है तो उसकी जो सजा है, अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो क्या होगी, और अगर वो ऑफेंस कमिट हो गया तो क्या होगी। अगर वो ऑफेंस कमिट हो गया है तो उसकी सजा होगी आइदर डिस्क्रिप्शन 7 ईयर्स, अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो उसकी सजा होगी 3 साल। अबेटमेंट वाले चैप्टर के अंदर हमें मैक्सिमम ध्यान रखना है कि कौन से ऑफेंस की सजा और कौन से ऑफेंस का फाइन। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम। अब हमने बात की 118 में कि कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन की बात करें, लेकिन अगर कोई वो पब्लिक सर्वेंट छुपा रहा हो तो उसकी सजा भी डबल हो जाएगी। कैसे? 119 में बात की गई है, पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट, अगर वो ऑफेंस कमिट हो गया है तो उसको मिलेगी 1/2 ऑफ मैक्सिमम। और अगर वो ऑफेंस जो कमिट हुआ है वो डेथ से पनिशमेंट था तो उसको सजा मिलेगी 10 साल तक की। लेकिन अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो उसको मिलेगी 1/4। सेक्शन 120, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, इसके अंदर भी वही सिचुएशंस हम देखेंगे, अगर वो ऑफेंस कमिट हुआ है तो और नहीं हुआ है तो। अगर वो ऑफेंस कमिट हो गया है तो मिलेगी हमें 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट, और अगर वो कमिट नहीं हुआ है तो मिलेगी हमें 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट। मैंने आपको आज की वीडियो में 107 से 120 तक पूरा कवर करवा दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।